कहता है क्वेश्चन की त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या 6 cm वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी? कहता है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु को पिघलाकर बेलन के रूप में ढाल दिया जाता है। कोई धातु है, लोहा लकड़ कुछ भी हो, उसे पिघला दिया जाता है। उसकी जो त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर है, उसे पिघलाकर बेलनाकार रूप दिया जाता है। तो धातु जो है गोले के आकार का है। तो सबसे पूछता है कि अगर 6 cm त्रिज्या वाले बेलन के रूप में उसे ढाल दिया जाए तो बेलन की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो सबसे पहले इसका मतलब यह हुआ कि आयतन तो दोनों का एक ही होगा। अगर 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई गोला है, धातु का कोई गोला है, और उसे पिघला कर बेलना का रूप लंबा करो, आयतन तो एक ही होगा, आयतन इधर उधर नहीं होगा। तो इसका मतलब यह है कि जब तक आपको बेलन के गोले का आयतन निकालोगे तो बेलन का आयतन हो जाएगा, अब बेलन के आयतन आ जाएगा तो त्रिज्या से उसमें भाग दे के बेलन की क्या निकाल ली जाएगी, ऊंचाई निकाल ली जाएगी। तो यहां पर लिखो गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 πr³। 4/3 π का मान, आर का मान 4.2 × 4.2 हो गया। इसमें पाई का मान रख सकते हो, नहीं हो रख सकते हो। तो यहां पर सीधा सीधे इसको हटा दो, पाई का मान सीधा रखो उधर, पाई में पाई काट दिया जाएगा, इससे कटाओ कट जाएगा, हो जाएगा कितना, 1 × 3 4.2 × 4.2। अब इसमें कुल गुणा उड़ा करके कितना आ जाएगा, 4 × π × 1.4 × 4.2 × 4.2 cm³। इतना ही गोला का आयतन है ना। अब यहां पर लिखो बेलन नाकार धातु है, बेलन है, तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन गोले का आयतन बराबर होगा ना। तो 4π × 1.4 × 4.2 × 4.2 × 4.2। बेलन के आयतन का सूत्र यहां लिखोगे, बेलन का सूत्र क्या होता है, पाई 4π × 1.4 × 4.2 × 4.2। अब यहां पर पाई का मान अगर यहां नहीं रखे तो यहां भी मत रखो। इसकी त्रिज्या 6 × 6 है, h निकालना है ना, पाई 1.4 × 4.2 × 4.2। अब इधर h ऊंचाई निकालना है, h को इधर रखिएगा आप लोग, तो 4 × π × 1.4 × 4.2 × 4.2, अब बाटा में आ जाएगा π × 6 × 6, बाटा में चला आएगा। अब यहां देखो पाई से पाई कट गया है, 4 को 2 से कटाओगे आ इसको 3 बार में कट जाएगा, इससे ही कटेगा 3 बार में कटेगा, इससे कटाओगे तो 1.2 आ इससे कटाओगे तो 1.4, यानी एच बराबर बच गया कितना, 1.4 × 1.4 × 1.4 एच बराबर। इन सबका गुणा कर दो, सबका गुणा करो, एच बराबर गुणा करने से आएगा 2.744 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई हो जाएगी।